आज की बड़ी खबर, यूपी में नई गाइडलाइंस में सबसे बड़ी राहत नोएडा और गाजियाबाद के रहने वाले लोगों को मिली है। योगी सरकार ने दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आने पर लगी पाबंदी हटा दी है। अब केवल दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को ही एनसीआर के इस इलाके में आने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है और दिल्ली से नोएडा आने के आदेश पर यथास्थिति बरकरार रखी है, यानी दिल्ली से नोएडा आने पर बैन जारी रहेगा। नोएडा डीएम की ओर से ये जानकारी दी गई है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इस बारे में यूपी सरकार को लिखकर कुछ बिंदुओं पर और जानकारी मांगी है। तो यूपी में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आवाजाही की इजाजत दिल्ली की तरफ से दी गई है, लेकिन अभी तक गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने इजाजत नहीं दी है। उन्होंने प्रशासन से इस बारे में अभी कुछ और बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, यानी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही यह साफ होगा कि यूपी के लोग दिल्ली जा पाएंगे या नहीं। लॉकडाउन 4.0 में योगी सरकार ने इस बार नियमों को आसान बनाया है ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। नई गाइडलाइंस में सबसे बड़ी राहत नोएडा और गाजियाबाद के रहने वाले लोगों को मिली है। दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद अब बेरोक टोक आ सकेंगे। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी, यानी ऑफिस या बिजनेस के लिए अब आम आदमी आसानी से आ जा सकेगा। नई गाइडलाइंस में दुकानों को खोलने को लेकर भी ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। बाजार रोटेशन के आधार पर खुलेंगे, यानी ऑड इवन यहां लागू होगा। सभी दुकानदारों को मास्क लगाना जरूरी होगा। सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही खुलेगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी ही की जा सकती है। सरकार ने आम लोगों की मुश्किलों का इस गाइडलाइंस में खूब ध्यान रखा है। यही वजह है कि आम लोगों से जुड़ी चीजों को छूट दी गई है। अब यूपी में पटरी पर दुकानें लगेंगी, फेरी वाले भी काम कर सकेंगे, प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर भी खुलेंगे। शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। परमिशन के आधार पर बारात घर का इस्तेमाल कर सकेंगे। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी और जरूरी ऑपरेशन कर सकते हैं। योगी सरकार जानती है कि कोरोना के साथ ही अब आगे चलना होगा, लिहाजा सरकार ने नियमों में ढील देकर आम आदमी की जिंदगी को आसान बना दिया है। हालांकि अभी भी ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर यूपी में सख्ती रहेगी, लेकिन सरकार ने इसमें भी कुछ रियायतें दी हैं। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठ सकेंगे। इसके अलावा 2 बच्चों को भी बैठाने की छूट होगी। बाइक पर 1 ही पुरुष को बैठने की इजाजत होगी, लेकिन साथ में महिला हो तो वो बैठ सकती है। 3 पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठ सकते हैं। राज्य के अंदर और बाहर एम्बुलेंस को आने जाने की इजाजत होगी। हालांकि सभी छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो सेवा को अभी बंद रखा गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के पैसेंजर फ्लाइट बंद रहेंगे। इसके साथ ही मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लखनऊ से रुचि कुमार की रिपोर्ट। और हम आपको फिर बता दें कि यूपी